आज हिंदी गद्य का निबंध पाठ 5 स्मृति सिंह इसके लेखक हैं श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा द्वारा रचित स्मृति सिंह के संदर्भ में अध्ययन करना। इसके पूर्व हम लोग पाठ 4 तक त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली का हमने प्रश्न पढ़ा। आज हम वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। शिक्षक के संदर्भ में कुछ जानने से पहले हमें जानने की श्रीराम शर्मा जो लेखक है उनका संक्षिप्त परिचय क्या है। श्रीराम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1892 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के घर नाम का स्थान 23 मार्च 1892 ईस्वी स्नातक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा तो अपने मखनपुर अपने गांव के बगल में पिधरा के बगल में सब पड़ोसी गांव मखनपुर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए और तत्पश्चात वह उच्च शिक्षा के लिए स्नातक के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। इनकी मुख्य रूप से रुचि थी लेखन में थी, पत्रकारिता में थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने लंबे समय तक पत्र पत्रिकाओं के लेखन में व्यस्त रहे। उन्होंने एक विशाल भारत नामक एक पत्रिका का संपादन किया जिसके उपनाम संपादक रहे। गणेश चंद्र विद्यापीठ दैनिक समाचार पत्रकारिता के सह संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने लेखनी और पत्रकारिता में ही अधिक से विस्तार किया। जो लिखने की साहित्य लिखने की जो इनकी भाषा है सहज है, सरल है और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली भी आत्मकथात्मक विवेचनात्मक वर्णात्मक और चित्रात्मक रूप से विस्तृत रूप से दिया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां तो शिकार साहित्य है जिससे उनको पहचान मिली, लेकिन संस्मरण श्रीराम शर्मा जी की प्रमुख कृतियां संस्मरण जीवनी उन्होंने लिखा और सबसे प्रमुख कृतियां जिससे उनको पहचान मिली वह है शिकार साहित्य। इसी शिकार साहित्य का एक और शायद स्मृति जिसने लेखक ने अपने बचपन की जब उनकी उम्र 11 वर्ष थी मां उसमें घटना का वर्णन करते हैं और स्मृति उनकी शिकार साहित्य का प्रमुख साहित्य रहा है। सन 1967 ईस्वी में 1967 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो शीर्षक है स्मृति श्रीराम शर्मा जी के शिकार साहित्य का से लिया गया है। इस स्मृति शीर्षक के अंतर्गत लेखक अपने जीवन के कुछ क्षणों को या उस क्षण के कुछ घटनाओं को विशेष घटनाओं का वर्णन किया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह उस समय की घटना है जब लेखक से रवि शर्मा की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। वह घर के बाहर गांव में अपने छोटे भाई के साथ शाम के समय खेल रहे थे। तभी उन्हें संदेश मिलता है कि घर पर बड़े भाई मिल रहे। बहुत समय से घर से बाहर होने के कारण उनके मन में एक भय जन्म ले लिया, भय बैठा हुआ कि कहीं भी जाएगा होगा। वह खेल बंद करके छोटे भाई के साथ डरते हुए घर जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। आंगन में बड़ा भाई बैठ करके चिट्ठी लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे। बड़े भाई को पत्र लिखते देख करके उनकी व्यस्तता देख करके लेखक के मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि शायद पिटने से बचे। बड़े भाई पत्र जल्दी से लिख करके लेखक को कहते हैं कि चिट्ठी को ले जाओ और मतलब डाक घर में डाक के ठिकाने डाल।
चिट्ठी लेकर के मक्कनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चिट्ठी अपनी टोपी में डाले हुए हैं, तीन चिट्ठियाँ थी टोपी में डाले पर कपड़े हैं कि कारण यह है कि टोपी उनके कुत्ते में पॉकेट नहीं था, जेब नहीं था, इसलिए उन्होंने टोपी में रख लिया। अब दोनों भाई गंडा लिए धोती पहन करके मक्कनपुर के लिए चलते हैं। बहुत ही तीव्र गति से गाँव के बाहर जाते हैं। चार प्रणाम की दूरी पर ही गाँव के बाहर एक कच्चा धारा कुआं होता है, कुआं सूखा है और उस पे जहरीला सांप पड़ा हुआ है, जिसे प्रतिदिन विद्यालय जाते समय लेखक श्री राम शर्मा और उनके सहपाठी प्रतिदिन सुबह में पत्थर मारते हैं और सांप को देखते हैं। ठीक उसी तरह से उस दिन भी लेखक चिट्ठी के साथ ही साथ कुएं में झांकते हैं, देखते हैं और एक पत्थर एक मिट्टी का ढेला उठाकर उसमें मारते हैं और झांकना शुरू करते हैं। जैसे उन्होंने सिर नीचे किया टोपी हाथ से पकड़ी निकालने के लिए दो चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं। चिट्ठी का कुएं में गिरना मानो लेखक का प्राण निकल गया, वह घबरा जाते हैं। घर वापस जाना या चिट्ठी को निकालने खड़ी प्रयत्न करके वो चिट्ठी को निकालते हैं, संघर्ष करके कठिनाई से चिट्ठी को निकालते हैं और पुनः ये घटना या ये कार्य था। चिट्ठी का निकालना बहुत ही संघर्षशील था, सर से लड़कर के लाना था। ये घटना जब वो मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर लेते हैं तब वो अपनी माँ पर बताते हैं। पूरी घटना का वर्णन हुआ मेट्रिकुलेशन में कक्षा दस की परीक्षा जब हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लेते हैं तब वो अपनी माँ को बताते हैं कि किस तरह से हमने अपने 11 वर्ष की उम्र में उस दिन दी गई बड़े भाई की चिट्ठी को ले आते समय कुएं में गिर गया, उससे हम बहुत संघर्ष करके जोखिम मोल लेकर के हम कुएं से चिट्ठी को निकालते हैं। सारी घटना जैसे माँ को बताते हैं तो वह माँ उसे प्यार से अपने गोद में बैठा लेती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्री राम शर्मा का संक्षिप्त परिचय और स्मृति का छोटा सा प्रकाश आज डाले हैं। इसकी पूर्णतः विस्तृत सारांश हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। श्री राम शर्मा की विस्तृत जीवनी और स्मृति शिक्षक का अध्ययन स्ववाचन आप सत्वर वाचन स्वयं करेंगे। अगले दिन हम आपको विस्तृत सारांश आपको